नमस्कार, मैं हूं इज्जत शर्मा और स्वागत करता हूं आपका देश की सबसे बड़ी वकालत में, जो है बाप की वकालत। चलिए ट्रेजेडी बालजी, अब मजाक मस्ती जो है वो बहुत हो गई, अब एक सीरियस आरोप लगाते हैं। लगा लीजिए जी, तो मजा आ रहा है। आप पर जनता का अगला आरोप ये है कि आपने कहा था कि बुलेट ट्रेन में आम आदमी सफर नहीं कर सकता। बुलेट ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक का एक आदमी का एक तरफ का किराया 75,000 रुपए होगा, आपने कहा था कि नहीं कहा? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है जी मैंने, बिल्कुल किराया 75,000 रुपए आएगा। अगर वो पूरी ट्रेन सेपरेट बुक करा के चलेगा तो बिल्कुल किराया 75,000 रुपए आएगा। शेयरिंग में इतने नहीं आएगा जी, उसमें थोड़ा कम आएगा। ट्रेजेडी वाल जी, आप पागल है क्या? ये बुलेट ट्रेन है, कोई कैब नहीं जो आप सेपरेट या शेयरिंग में बुक करवा लेंगे। यही तो भ्रष्टाचार है इज्जत जी, यही भ्रष्टाचार है। इस देश की जनता जाग चुकी है, वो समझ जाती है कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, कैब जो होती है खास आदमी की सवारी, ट्रेन होती है आम आदमी की सवारी। अब आप बताइए, एक खास आदमी जब अपनी सवारी सेपरेट बुक करा के चल सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? यही तो बदलाव लाने हम सत्ता में आए हैं जी, सत्ता का लालच नहीं है जी हमको, हम यही बदलाव लाने आए हैं जी। दिल्ली बोले दिल से, और इवन फिर से बोलो तारा रारा।